एक महिला ने किंग कोबरा को जन्म दिया है, या कहा जाए कि एक महिला ने सांप को जन्म दिया है, तो ये हैरान कर देने वाली मामला, ये अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपके भी मन में चल रहे हैं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में सच पहले के थ्रू दूर कर दिया जाएगा। तो क्या है इसके पीछे का सच्चाई, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है? तो सच पहले की टीम ने इस मामले को पूरी जांच पड़ताल करके और इसके पीछे के सच्चाई को आपके सामने लाकर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सांप के बारे में बता देता हूं कि सांप की लंबाई लगभग 4 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 3.5 किलो है। ये घटना, ये अजीबोगरीब घटना मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुआ है। सांप को जन्म देने वाली महिला का घर बिहार है और इस महिला का मुंबई में ऑपरेशन करके लगभग 4 फीट 7 इंच के सांप निकाला गया है। जब सच पहले की टीम ने महिला के परिजनों से मिला तब जाके इसकी पीछे की असली सच्चाई का पता चला। महिला के घर वालों ने बताया कि ये घर में सिर्फ एक आदमी को पता था कि ऐसा हो सकता है। उनके घर में सिर्फ महिला के पति को डाउट या पता था कि ऐसा हो सकता है। वो इसलिए पता था कि पहली बार जब महिला को लेकर सिवान हॉस्पिटल में गए हुए थे, जब ये डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि मुझे डाउट है कि महिला के पेट में सांप है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। फिर उन्होंने छपरा हॉस्पिटल में दिखाया। छपरा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टरों ने सेम बात बताई। सब कुछ जांच करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए कि डॉक्टरों ने भी जांच किया है, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने बताया कि मुझे लगता है कि एक सांप है, आप गोरखपुर में दिखा लीजिए। फिर महिला के घर वाले ने छपरा से गोरखपुर चले गए। और इसके बीच एक और बात बता देता हूँ आपको कि ऐसा पहले भी हुआ था फिलीपीन में। ये वीडियो देख लीजिए, पहले मैं इस वीडियो को दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए कि पहले फिलीपीन में ऐसा हुआ था। इस सच को सभी ने अनदेखा कर दिया था और इस सच के सभी लोगों ने झूठा साबित कर दिया था। सच को देखने के बाद सभी लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था और वो सच था जो हुआ है, वो सच था जो फिलीपीन में एक महिला के पेट से बच्चा के बजाय सांप पैदा हुआ था। और ये वीडियो में आप देखिए, इस वीडियो में देखिए, वो महिला का भी जांच है, उसका जो जांच का जो रिपोर्ट है वो भी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा हुआ और ये 5 साल पहले हुआ था जो फिलीपीन में एक महिला ने सांप को जन्म दिया था, ये सभी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा फिर भारत में हुआ है कि एक महिला ने सांप को जन्म दिया है। जब ये लोग छपरा अस्पताल से गोरखपुर अस्पताल गए तो यहाँ के डॉक्टरों ने पूरा कंफर्म कर दिया कि ये सांप ही है और घर वाले भी पूरा कंफर्म हो गए कि ये सांप है। लेकिन जब ये लोग गोरखपुर अस्पताल गए थे तो डॉक्टरों के इनकार करने के बाद ये लोग सीधा मुंबई गए और मुंबई जाकर ये बच्चा, या कहा जाए कि ये सांप को उस महिला ने जन्म दिया, 10 महीना लगभग 12-13 दिन हो चुका था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बच्चा 9 महीने में हो जाता है या 2-4-10 दिन इधर उधर होके हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन 10 महीना 10 दिन होने के दौरान घर के लोगों ने समझ रहा था कि नहीं, हो सकता है कि ये लड़का है। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों का मानना है कि जो लड़का होता है वो 10 महीने 10 दिन 15 दिन के आसपास भी कभी कभी हो जाता है कुछ केसों में। कुछ डॉक्टरों का भी मानना है कि कुछ केसों में ऐसा हो जाता है, लेकिन 10 महीना 12-13 दिन होने के बाद इस महिला का ऑपरेशन करके इस सांप को उसके पेट से निकाला गया है। ये मामला हुआ है ऐसा, जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में महिला के पेट से सांप निकला है। और उस पति के बारे में बताया तो उस महिला के पति के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि सच पहले के टीम ने मिलकर सारी जानकारी ली है। उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि वो इनके प्रेग्नेंट होने के बाद वो विदेश चले गए थे और उन्होंने, महिला के पति ने सच पहले टीम को बताया कि वो विदेश में ही काम करते थे, विदेश रहते थे। लेकिन इनके टाइम बढ़ने के बाद लगभग 9 महीने पे बच्चे पैदा नहीं होने की वजह से वो घर पे आके और यहाँ वहाँ हॉस्पिटलों में दिखाने का कोशिश करने लगे और इतनी जगहों पर दिखाने के बाद इस महिला का ऑपरेशन मुंबई हॉस्पिटल में हुआ है और सांप ही पैदा हुआ है। ये सच है कि ये सांप ही पैदा हुआ है। सच पहले की टीम ने इस मामले के पीछे की सच्चाई की पूरी जांच पड़ताल करके और आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सच है और यही सच है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और ऐसे ही लगातार न्यूज जो बने रहने के लिए सच पहले के साथ जुड़े रहें। सच पहले ऐसे ही सच्चाई को बाहर लाता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।